राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए इसमें 22 मंत्रियों को शामिल किया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हैं। 22 दिग्गजों में से 17 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इस कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने एक पार्टी उम्मीदवार को शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। उन्हें राज्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया है। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्रवाल टीटी की, जो श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु के बाद इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया था। 5 जनवरी को यह मतदान होगा। हालांकि वोटिंग और रिजल्ट से पहले ही भाजपा ने पार्टी कैंडिडेट को मंत्री बना दिया है। जानकारों का कहना है, ये देश में पहला ऐसा मामला है जब किसी उम्मीदवार को मतदान से पहले मंत्री बनाया गया है। इस बीच राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कदम पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली। सुरेंद्र पाल करणपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 5 जनवरी को मतदान होगा। उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई है। भाजपा ना तो संविधान में विश्वास करती है, ना चुनाव आयोग में। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले को निर्वाचन आयोग के सामने उठाएगी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि करणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। गहलोत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस तरह से असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाजपा आला कमान के अहंकार को दर्शाता है। भाजपा ने करणपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाकर दाव खेला है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि भाजपा का ये दाव उसे सफलता दिलाता है या नहीं। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।